Hey guys, welcome back to my new reaction video. So, आज चेक करने वाले लक्ष्य चौधरी की मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल वीडियो. सो हम देखते हैं उसमें क्या है और टाइटल है बाबा रे बाबा. सो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो. लेट्स गो. मैं उसके खिलाफ बोलूं. रिलीजियस बुक्स का सेल्फ बेनिफिट के लिए मिस इंटरप्रिटेशन, मैनिपुलेशन, अंधभक्ति, ये हर धर्म में है. वो अपना देख लेंगे, हम अपने पे बोल लेते हैं. ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ति योग, इन सब का फल भगवत प्राप्ति है. प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं कि जरूरी नहीं कि आप स्पिरिचुअलिटी में ही लीन हो जाएं. आप सामाजिक जीवन जीकर भी, अपनी जिम्मेदारियां, अपना कर्म पूरा करके भी भगवत की प्राप्ति कर सकते हो. अब ये कितनी सिंपल सी बात थी, ये तो सबके समझ में आ जानी चाहिए थी आसानी से. पर नहीं, बहुत सारे धर्मगुरु नहीं चाहते कि आप इस बात को समझें, क्योंकि फिर उनकी फंडिंग और डोनेशन रुक जाएगी. अच्छा. फॉलोअर्स को सांसारिक मोह से, धन दौलत माया, मेटेरियलिस्टिक चीजों से दूर रहने का ज्ञान देते देते पता ही नहीं चला बाबा जी कब मिलियनेयर बन गए. बनेंगे क्यों नहीं? सबसे बढ़िया टैक्स फ्री इनकम तो यही है हमारे देश में. कितना भी आए, कितना भी जाए, किसी को कोई ब्योरा ही नहीं देना. फॉलोअर्स आज भी प्रवचन सुनने छोटे हाथी में एक की गोदी में एक बैठ के आ रहे हैं, लेकिन बाबा जी GLS में घूम रहे हैं, वोल्वो में घूम रहे हैं. बाबा जी के पास तो यूनिक कार कलेक्शन भी है, लेकिन फॉलोअर्स आज भी रोडवेज में एक दूसरे का पसीना सूंघते हुए आ रहे हैं. अरे क्या फायदा ऐसा सत्संग सुनने का जिसमें से इतना ज्ञान लेने के बाद भी तुम आज भी वहीं के वहीं हो. इससे अच्छा तो थोड़ी सी लोभ लालच, कॉम्पिटिटिव, मटेरियलिस्टिक, सांसारिक सुख लेने वाली बुद्धि बना लेते. कैसा भी रिसेशन चल रहा हो, लेकिन इंडिया में फिलहाल एक डिग्री सबसे बढ़िया रिटर्न देती है धार्मिक गुरु बनने वाली. 100% प्लेसमेंट विद गारंटी. गारंटी इसलिए क्योंकि आधी जनता तो पहले से ही ब्रेन वॉश्ड है. और दूसरा, इस काम में अगर आपको कोई कॉल आउट करने लगे तो उसको आप अधर्म ही बोल दो. आपके खिलाफ जो भी खड़ा होगा, आप ऐसा दिखा दो तो पूरे धर्म के खिलाफ खड़ा है, तो आपको कोई कॉल आउट भी नहीं करेगा. कहीं अमृत वर्षा हो जा रही है, कहीं शहद वर्षा हो जा रही है, दीवारों में से इलायची वर्षा हो जा रही है. गुरुजी ने तो 2007 में महासमाधि ले ली थी, वो तो सोशल मीडिया पे नहीं है, लेकिन उनके नाम और आइडेंटिटी को मिसयूज करके मोनेटाइज करने वाले बहुत हैं. चल चलिए लंदन, चलिए लैम्बोर्गिनी ब्लेस जल्द कराऊंगा, ये सब पोस्ट होते हैं गुरुजी के नाम से बनाए गए सोशल मीडिया पेजेस पे. मतलब आप उनके भक्त हो या आप एक ट्रोलर हो, अगर आप खुद ही ये सब पोस्ट करोगे तो किसी दूसरे को तो जरूरत ही नहीं आपका मजाक बनाने की. आप खुद ही अपने आइडल और बिलीफ का मजाक बनवा रहे हो. पुत्ता, तेरी पेट में बहुत बड़ी बीमारी को छोटे से इन्फेक्शन के रूप में काट दिया है. आपने भी इस तरह के इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे काफी पोस्ट देखे होंगे कि आज तेरी मम्मी नु दर्शन देवांगा, ऐसे गुरुजी की फोटो लगाए रखते हैं. पुत्र, आज तेरी विदेश यात्रा है. मुझे पहले लगता था कि कोई ये मीम पोस्ट है. जब मैंने थोड़ी सी रिसर्च की तो मुझे पता चला कि गुरुजी ऐसे कोई पुत्र इस तरह के वर्ड यूज करते ही नहीं थे. उन्होंने अच्छा। कभी कोई ऐसी मीडिया, सोशल मीडिया इंटरेक्शन की नहीं है. खैर, सोशल मीडिया तो उनके टाइम तक था ही नहीं. ये इस तरह की पोस्ट का जितना भी पागलपन स्टार्ट हुआ है, ये वर्ड ऑफ माउथ और अंधविश्वास से हुआ है. अच्छा। जब से साउथ दिल्ली की सारी आंटियों को लगने लगा गुरुजी के बारे में बिना जाने, बिना उनके बारे में पढ़े, बस किसी भी पोस्ट पे गुरुजी की फोटो अगर आ रही है, उसके नीचे शुक्राना गुरुजी लिखने से हर धनतेरस पे उन्हें 2 व्हाइट गोल्ड के नेकलेस एक्स्ट्रा मिल जाएंगे. यहीं से ये सारी भक्ति अंधभक्ति में बदल गई. सोशल मीडिया पर जो गुरुजी के लिए अच्छे कॉन्ट्रोवर्शियल है ये पोस्ट होते थे, वो मीम्स में बदल गए. तो यहाँ पे देखो, मैंने हार्ट बीट यहाँ पे मीन मेजरिंग आ रहा है. यहाँ पे फेल सोफे पर हमने धरते थे. जय गुरुजी, जय गुरुजी. फोटो खींच गुरुजी की पूरी. मेरे भी कॉन्टेक्ट में कुछ गुरुजी के फॉलोअर्स हैं, मैंने उन्हें कभी ये सब करते हुए नहीं देखा. फिर ये सब देखने के बाद मैंने संपर्क किया ऐसे लोगों से जो गुरुजी की संगत में 2007 से पहले जुड़े हुए हैं. उन्होंने खुद यही बताया कि ये सब अंधविश्वास है और ये टोटल डिसरेस्पेक्टफुल हरकतें हैं गुरुजी की तरफ. अच्छा। ना ही तो कोई उनका सच्चा भक्त इस तरह की पोस्ट क्रिएट करता, ना ही ये वीडियोस क्रिएट करता. ये सब पिछले 2-3 साल में ही होना शुरू हुआ है, वो ना भी भक्तों के द्वारा, क्योंकि आजकल लोगों के अंदर श्रद्धा की चाह कम है और सोशल मीडिया रीच की ज्यादा. आप लोग ये इलायची वर्षा, मोर की वर्षा, शहद वर्षा, पता नहीं कौन कौन सी वर्षा, मुझे नहीं पता भाई कौन सच है कौन झूठ है क्या है. जब तक इन चीजों पर जय गुरु जी करते रहोगे तो ये इलायचियों की वर्षा होती रहेगी. ये तो अच्छे पढ़े लिखे लोगों की हरकतें हैं जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड से बिलीव कर रहे हैं कि इलायची वर्षा हो रही है, शहद वर्षा हो रही है. आप अनपढ़ लोगों से तो क्या ही एक्सपेक्ट करोगे फिर. और ये कितना डिसरेस्पेक्टफुल है गुरुजी के लिए. उन्होंने तो कभी नहीं कहा होगा सोशल मीडिया पे करने के लिए. उनके टाइम तक तो सोशल मीडिया था भी नहीं. तो खुद कुछ नए नए भक्ति तो है ना, जो अपने हिसाब से ही संगत को इम्प्रोवाइज करते जा रहे हैं. यही सब चलता रहा तो 10-20 साल बाद गुरुजी जो बोलते होंगे, गुरुजी के वो तो बना नहीं रहे भाई कुछ. उनके आगे जो बंदे हैं, जो भाई कौन है, पता नहीं कौन बना, टाइम पर जो माहौल होगा वो पूरा बदल जाएगा. बीच में लोगों ने आगे जो अपना अपना एलिमेंट उसमें घुसाया, जो इम्प्रोवाइजेशन किया है, फिर असली सत्संग वो बन जाएगा. और ये अजीबोगरीब चीज भी तुम्हें यही देखने को मिलेगी. मैं खुद नीम करोली बाबा को बहुत मानता हूँ. पिछले एक साल में 2 बार होके आया हूँ. फिर मेरे सामने एक ऐसी चीज आई, स्पिरिचुअलिटी में भी नेपोटिज्म. लोग नीम करोली बाबा जी के ग्रैंड सन से पकौड़ों का प्रसाद बंटवा रहे हैं. अच्छा, पकौड़ों का प्रसाद बिफोर GTA 6. जय जय सीताराम, जय महाराज. मतलब जो सिद्धि नीम करोली बाबा जी को प्राप्त थी, वो उनके पोते को कैसे. कई बार ना मुझे ऐसा लगता है कि हम ना किसी लालच में कोई
कोई कृपा मिल जाए कहीं से, कुछ कुछ ब्लेसिंग हो जाए यार, हाँ। कुछ सब ठीक हो जाए। राधे राधे, मैं आ चुका हूँ भाग्य बिहारी। हाथी जैसे वो शेप में निकले हुए, वहाँ पे ना जल गिरता रहता है, वो लोगों को लगता है कि वो हमारे ठाकुर जी के चरणों से आ रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि वो एसी का पानी है, ठाकुर जी के जो है चरणों का जल नहीं है। ना तो हमें ध्यान लगाना, ना ही हम भक्ति पूरी तरीके से कर रहे हैं, ना ही हम न्यूट्रल भाव से कभी भगवान को याद कर रहे हैं। हमेशा जब जा रहे हैं तो या तो डर में जा रहे हैं, किसी लालच में जा रहे हैं। कुछ एकदम सबसे पहले चाहिए हमें, कहीं आगे लग के मंदिर की लाइन में कहीं सबसे पहले वाली कृपा मेरी झोली में आ जाए। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ये जादू टोने की ये कुछ प्रकट हो गया भाई, नहीं होता ऐसा कुछ भी। अगर ऐसा हुआ करता ना, 21st century यार, क्यों इतने टाइम से साइंटिस्ट मेहनत कर रहे होते, क्यों हम साइंस मेडिकल साइंस को इतना इंप्रूव करने में लगे हुए होते, ऐसे चुटकी बजाने सब कुछ हो जाता था, ऐसे चुटकी बजाते इन्वेंशन हो जाती सारी भारत में, बाहर के साइंटिस्ट क्यों कर रहे हैं फिर, यही कर देते हम, टेस्ला कंपनी भी खड़ी। ऐसे किसी को कष्ट ही नहीं होता, कोई हॉस्पिटल में एडमिट ही नहीं होता भाई, डॉक्टरों का धंधा खत्म हो जाता है। ऐसे लक्ष्य की शक्ल देख के हंसी आ जाती, चुटकी बजाई सब ठीक। यार इस सब की जरूरत तो भगवान के टाइम से भी पड़ी है। लक्ष्मण जी जब मूर्छित हुए थे तो वैद्य तो उन्हें भी लगा था, दवाई तो संजीवनी बूटी तो उनके लिए आई थी, और वो तो स्वयं भगवान के भाई थे। हाँ। और तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे साथ कुछ चमत्कार हो जाएगा, तुम्हें इस सब की जरूरत नहीं पड़ेगी, कुछ कहीं से एकदम ब्लेसिंग टपक जाएगी आके, तुम्हारा पूरा भरोसा जादू टोनों में है। और मैंने नीम करोली बाबा जी की और गुरु जी की बात वीडियो के फर्स्ट हाफ में इसलिए की है क्योंकि यहाँ पे गुरुओं का कोई दोष नहीं है, उन्होंने कभी नहीं कहा किसी को ये सब करने के लिए। यहाँ पे गलती है तो फॉलोअर्स की है या जो अंधभक्ति फैला रहे हैं उनकी है, बट वीडियो में जो तुम आगे देखने वाले हो, हम कहते हैं माइक से कहते हैं विश्व में कोई ऐसा जादूगर पैदा हुआ हो, तांत्रिक ऐसा पैदा हुआ हो, आए और करे छू, देव जंतर बांधो से डायलिसिस खत्म, तुम्हारी किडनी सही, हमें दिखाओ, फालतू में बावरे लोगों को ड्रामेबाजी में फंसा रहे हो। शमशान में चले जाओ, जो उसकी चिता दहकरी है उसके अंदर मांस पकाओ, उसके पिंड बनाए गए हैं ना जो सर के ऊपर, उनके दोनों आटों को लो, आटा और गूंदो। जब पहली बार मैंने ये वीडियो देखी मुझे लगा हर्ष बेनीवाल भाई ने कोई नया चैनल बना लिया। मैं ना ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये सब करने की क्या जरूरत है आपकी वीडियो की, आपके चैनल की, आपके एग्जिस्टेंस की भी। शमशान में जो काम होते हैं वही करने जाऊँ ना, वहाँ पे रोटी घर आके पका लेंगे। उस शमशान में अब तक लाखों मुर्दे जल चुके होंगे और कम से कम ऐसी लाखों तृप्त आत्माओं के साथ आपका उस टाइम पे जो है एनकाउंटर हो सकता है। वो आती जाएंगी बैठती जाएंगी, मुझे दे दे तू खाने के लिए कोई भी काम कर। अब चिरांद जब आत्मा इतनी ताकतवर है कि वो कुछ भी काम कर देगी तो रोटी क्यों नहीं खा लेती कहीं, और भूखी क्यों घूम रही है इतने दिनों से शमशान में, नहीं तुम्हारी रोटी खा के वो सब कुछ कर देगी, जग तबाह कर देगी, तुम्हारे दुश्मन को नष्ट कर, तो दुश्मन कहीं जाकर रोटी खा लेना, रोटी नहीं ले सकती वो, रोटी नहीं चुरा सकती आत्मा, वैसे इतनी ताकतवर है वो। मुझे दे दे तू खाने के लिए कोई भी काम कर, आगे बात खाओगे मेरा। वहां पे किसी को नहीं देना, उनका सबका एक लीडर होता है जिसको प्रेत राज बोला जाए, तब उसको भोग दे दो, वचन दे देगा, तीन वचन दे के जितने प्रेत है ना सब काबू में। मेरा यू मानना है टोटका, हम साला मिलियन बिलियन खर्च के अपने प्लेनेट के बाहर लाइफ यूं ही ढूंढ रहे हैं, एक अलग दुनिया तो यहाँ शमशान में ही चल रही है, बिना मतलब पैसे वेस्ट कर दिया यार, रोटी पकाओ, आत्मा पकड़ो, उससे काम करा। काम कराने के लिए 700 रुपए रोज की दिहाड़ी पे मजदूर आवे, अब 700 रुपए की उनकी मजदूरी बचाने के लिए पहले मैं शमशान में जाऊँ, शराब लेगा, आटा लेगा, वहां बैठूं पऊ, सारी रात खराब करूं भूतों के बीच में, किकल को हमारे सिमट के कट्टे ऊपर पहुंचा दिए भाई। ये खतरनाक जादू टोटके करने वाली कम्युनिटी भी इतनी तेजी से बढ़ रही है, शास्त्रों में कुछ हमारे 33 करोड़ देवताओं का जिक्र है, ये इतने हो जाएंगे अगले साल तक उन्हें भी क्रॉस कर देंगे, ये खुद के अंदर इतने घुस गए कि अब भगवान को छोड़ खुद को ही पुजवा रहे हैं। रक्त पिशाच ने लड़की की खत्म की जिंदगी, दरबार में आकर हुआ मुक्त। तेरे को कहा था तू इसमें से बाहर निकल जाएगा, अरे वो तू छोड़, तू लेके जाना तो बहुत दूर की बात है, तू ये बता दे तू इसमें से बाहर निकल जाएगा। भाई ये किसने एडिट कर दिया, तू बाहर निकल के दिखा ले, तू जब जाएगा तो तू यहाँ से जा सकेगा, तेरे तो फिर से बाहर। असल में बाबा जी का शुरू से प्रोफेशन भूत भगाने का नहीं था। इस वाले से पहले भी टैटू वाले बाबा जी को नाकामी मिल चुकी थी एक प्रोफेशन में। देखो इस बात से तो हम परिचित हैं कि सबको लगता है कि सोशल मीडिया वाले धंधे में सबसे तेजी से सक्सेस है, लेकिन बाबा जी ने टिकटॉक छोड़ के भी झाड़ फूंक वाला धंधा पकड़ा, तो सोचो इस बाबा वाले धंधे में कितनी तेजी से सक्सेस होगी। इस वाले में है प्रोबेबिलिटी तो ज्यादा, अच्छा हुआ बाकी सारे टिकटॉकर इंस्टाग्राम पे आ गए तो 2-4 पैसे भी कमा लिए उन्होंने, नहीं तो अगर ये सारे ही तांत्रिक बन जाते तो शमशान में इतनी रोटी पकती कि वहां लाश कम जाती, एलपीजी के सिलेंडर ज्यादा। इसका तो मुझे खुद समझ नहीं आता है, बाबा है ये, बाबी है ये, रीलर है, टैटू आर्टिस्ट है, क्या है ये, कुछ दिन में डीजे दिखेगा कहीं क्लब में जाता हूं बीडब्ल्यू में, कभी ये शमशान जा रहा है, कभी ये मंदिर जा रहा है, कभी डिस्को। अबे तेरा खुद का स्टैंड क्लियर नहीं है यार, तू दूसरों को तो क्या ठीक करेगा, ये कसम से इतना बड़ा पाखंडी है भाई ये अलग से। भाई इसने जब स्टोरी डाली थी ना कि भाई कुछ कंट्रोवर्शियल बहुत ज्यादा होने वाला देखी जाएगी, तब भी मैं समझ गया था कुछ खतरनाक होगा, एक अलग से रोस्ट जरूर करे। और अगर आप भगवान के शरणागत तो भजन कर रहे हो तो सबको ऐलान कर देना चाहिए, सब तांत्रिक मिलकर एक साथ हमारे ऊपर करो, हमारा बाल भी फाड़ लेना तो बता दे।
अंबानी जी, वैसे ये वीडियो देखने से पहले मेरी कुछ ज्यादा खास नाराजगी थी नहीं आप? नहीं नहीं, क्या जरूरत थी घर घर इंटरनेट पहुंचाने की? क्यों सोचा आपने गरीब के बारे में इतना, जब गरीब हमारे बारे में नहीं सोच रहा? गरीब तुरंत अपना ओरिजिनल कैरेक्टर छोड़ के माता रानी बन गई। साला ड्राइविंग लाइसेंस ले आए, आधार कार्ड ले आए, पासपोर्ट ले आए, हमारी तो आइडेंटिटी वेरीफाई कर ली। इनकी बाबाओं के लिए भी तो कोई कार्ड लाओ, मैं कैसे वेरीफाई करूंगी? जादू टोना किससे करवाना? कुछ रेटिंग भी तो दो इनकी, इनके भी तो गूगल रिव्यू होने चाहिए कि बाबा ने बहुत अच्छा जादू किया था भैया, इनसे ही कराना। और ये अब से नहीं है, पहले से करवा रखा, शमशानी क्रिया करवा रखी है, शमशान में बैठ करके क्रिया करवाई गई है। और पड़ोस वाला है जिसने करवाई है, दो तीन साल से भैया इसमें दिखाई दे रहा है नारियल में। जी जी हाँ जी महाराज जी, आपने कोई ऑब्वियस बात नहीं करी। महाराज जी आपकी नॉलेज इतनी कमाल की है, मेरे तो घोड़े खुल गए, मैं पागल हो गया, अब तो घोड़े बांधने जा रहा हूँ मैं वापस। नहीं, इसमें नारियल में कौन सी एलईडी लगी हुई है? सीसीटीवी कैमरा क्या है इसमें जो तू देख के बता रहा है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है, जादू टोने टोट के विदेश में क्यों नहीं जा रहे? ये यही क्यों, हमें ही क्यों परेशान कर रहे? जब इनका इजाद हमने किया तो हमें क्यों परेशान कर रहे? विदेशों पे क्यों नहीं हो रहे? ये टोटको से कभी कोई इन्वेंशन, कोई नई थ्योरी क्यों नहीं बनी? वो बेचारा न्यूटन अपने सर पे उसने सेब गिरवा लिया था साइंस के लिए, सर फुड़वा के चला गया वो बेचारा। बेंजामिन फ्रैंकलिन करंट लगे होंगे उसके इतनी बार बिजली खोजते हुए, इससे जादू से क्यों नहीं खोजी भाई तुमने बिजली? दुनिया में कोई ऐसा संत महात्मा नहीं होगा जो रात में भी बैठेगा आशीर्वाद देने। बताओ साला, इस बिजनेस में भी सबकी अपनी अपनी यूएसपी है। हमारी ब्रांच 24/7 खुलती है। हम तो पूरे दिन आशीर्वाद देते हैं। ये साले नकली बाबा 8 घंटे चले, इसका आशीर्वाद हमारे वाला आशीर्वाद है जी 24 घंटे, रात को भी चलता है भाई, आशीर्वाद दे और बढ़िया काम करता है जी, एक एक हफ्ता चलता है। लड्डू मुत्याना उतार आएगी ना संचार। ये इस तरह के ड्रामे करता हूँ ना, तुम्हें मोहल्ले का सबसे नटखट प्राणी दिखेगा, सबसे कोई नोटी आंटी कर रही होगी सर, वो फेमस रहेगी, इसके ही सर आएगी। भाई माता किसी के जापान में क्यों नहीं आ रही? नहीं, किसी अमीर आदमी के क्यों नहीं आ रही? अभी अंबानी का फंक्शन था, वहां आई माता किसी के। सर जितना गरीब आदमी होगा उतने ड्रामे करके दिखाएगा ज्यादा, ऐसी थोड़ी अंग्रेजों ने हमारे ऊपर कब्जा कर लिया था। एक आदमी पाखंड करेगा, 20 उसके साथ लग लेंगे, 50 उससे सोल्यूशन लेने आएंगे जीवन का। अरे भैया जीवन अच्छे चलने का उपाय किसी बाबा के पास नहीं है, इसका उपाय है पैसा कमाओ, 8 घंटे की नींद लो, स्वस्थ शरीर हो, पॉजिटिव रिश्ते हो, और जितना कम हो सके उतना कम दुर्व्यवहार हो। बिल्कुल, बस जी, बस जी। बले 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 बले। ये तो नहीं कह रहे कि आरती करो, पूजा करो, मंदिर जाओ। तुम सुबह ऑफिस जा रहे हो, तुम्हारा मंदिर है। हाँ। तुम जो व्यवहार कर रहे हो वो तुम्हारी पूजा है। बिल्कुल, अगर हम अपना सही पॉपुलेशन डेटा निकाल लें ना तो वर्ल्ड में नंबर 1 ही निकलेंगे हम। उसके बाद भी सारे मेडल अमेरिका ले गया, जापान ले गया, चाइना ले गया। कथा श्री राम की। घर में सब कुशल मंगल। हम लोग गीता को तो मानते हैं लेकिन गीता की नहीं मानते। मेरा देश, मेरा देश, मेरा देश बदल रहा है, वापस 10वीं सदी में जा रहा है। 9 साल के बच्चों के लोग पैर छू रहे हैं, 10 साल का बच्चा उपदेश दे रहा है, बताओ। और तुम चाह रहे हो कनाडा हमारे डिप्लोमेट्स को निकाल लेना, इसीलिए साउथ एशियंस के पासपोर्ट छीन के सऊदी में उनसे गधा मजदूरी कराई जा, क्योंकि उन्होंने तेल के कुएं में बाबा नहीं बैठाया, कोई तेल निकाल लो और बेचा अपना। मोदी और राहुल एक साथ भी पीएम बना दिए ना तो भी कुछ ठीक नहीं होना। लोग सारे ऐसे, गलती तुम निर्मला सीतारमण की निकाल रहे हो। अरे इनकी तो ऑक्सीजन सप्लाई भी लिमिटेड ही होनी चाहिए, कुछ चंद घंटे ही। मतलब 40 साल का आदमी 7-8 साल के बच्चे से पूछ रहा है कि प्रभु जीवन में बहुत कष्ट है, कष्ट का निवारण कैसे करें, कैसे दुख छूटे। अरे भैया उसकी दूध की बोतल खुद अभी 2 साल पहले छूटी है, कल परसों तो वो पेसिफायर लगाना छोड़ा उसने पिट पिट के, तुम उससे उपदेश ले रहे हो। 50-60 साल के धर्म गुरु ने कोई फ्रॉड कर दिया, समझ भी आता है, डिजर्व करता है भाई, 50-60 साल का हो रहा है, अच्छी अच्छी बातें आती होंगी, मैनिपुलेटिव स्किल्स होंगी, कर दिया होगा। एक 9-10 साल के बच्चे के पास तुम क्या सुनने जा रहे हो? कौन से उपदेश, कौन सी कथा सुनाएगा वो, क्या सुनाएगा 10 साल का बच्चा तुम्हें बैठ के? एक हाथी था उसको चींटी मिली। औलाद की खाते किसी का हक मत खाओ। 5वीं क्लास का एग्जाम क्लियर नहीं होगा इनसे, बाबा बन गए। हवन करने के लिए भी संस्कृत में उच्च शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए आपको, पर भाषण वाला बाबा अगर आपको बनना है तो अनपढ़ भी चलो, ज्ञान लेने की उम्र में ज्ञान दे रहे हैं बताओ ये बालक। और बढ़िया सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, बढ़िया मैनेजमेंट है, तुम इनके प्रोफाइल पे जाके देखोगे तो इनके पेरेंट्स के नंबर पड़े हुए हैं, मैनेजर के नंबर पड़े हुए हैं फॉर इंक्वायरी एंड इवेंट रिलेटेड क्वेरीज। बहुत ही अच्छी अर्ली इन्वेस्टमेंट है बच्चे अपने माँ बाप की, और इसे कोई बाल श्रम भी नहीं बोल सकता। और इसमें सबसे बढ़िया बात यह है कि इन बच्चों के ऊपर अगर कोई उंगली उठाएगा, इनको कोई कुछ बोलेगा तो इनके पेरेंट्स उसके अगेंस्ट चाइल्ड या माइनर लॉ यूज करेंगे, क्योंकि काफी सीवियर और स्ट्रिक्ट है। तो भाई ऐसी मुसीबत कौन अपने गले पड़वाएगा, तो यहाँ पे भी सेफ है। करो तुम बढ़िया अपना यूपीएससी की तैयारी करो, बढ़िया बढ़िया एकदम 4-5 साल तैयारी करके एकदम अच्छा आईएएस ऑफिसर बनना, आईपीएस बनना है, फिर बाबा जी की सिक्योरिटी में भी तो जाना है। दूसरी ड्रॉप आउट कथावाचक वहाँ स्टेज पे कथा सुना रहा होगा और तुम पीछे वॉकी-टॉकी लेके स्टेज की रेकी करना। और ये कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ सोशल मीडिया पे बोल रहे हैं, सिर्फ सोशल मीडिया पे वीडियोस वायरल है, रियलिटी में
पापा आ गए मम्मी। इनके इवेंट में इनकी कथा में लाखों की हजारों की भीड़ आती है और इन्हें सोशल मीडिया पे भी उतने लोग फॉलो करते हैं। सभी लोग से एक दक्षिणा लेंगे। स्कूल ना जाने के अच्छे बहाने हैं। मैं तो इस उम्र में अगर अपने घर वालों को लॉजिकल आर्गुमेंट भी देता ना, दो दो दिन अंधेरे कमरे में मूंद के रखा गए थे मुझे, और इनकी ये सब बातें सुनने लाखों की भीड़ आ रही है। गरीब आदमी की प्रॉब्लम ही है कि उसको लगता ही नहीं कभी पैसा मेहनत से कमाया जा सकता है। पैसा तो भैया या तो आएगा टोने टोटके से या फिर बाबा के प्रवचन सुन के। सब अमीरों के पैसे सिर्फ स्कैम करने से आए हैं। पूरी जिंदगी ये बात रटते रटते ये लोग खुद बाबा के स्कैम में फंस जाते हैं। गले में तुलसी पड़ी है, रुद्राक्ष पड़ा है, मन विषयों में है तो बात नहीं बनेगी। कुछ नहीं पहने वो मन में आपके राम कृष्ण हरि चल रहा, बहुत बढ़िया बात है। अभिनव अरोरा का तो आपने रिसेंटली यूट्यूब इंस्टाग्राम पे काफी देखा ही होगा। कमेंट्स में लोग बिना सोचे विनव को ट्रोल करते हैं कि वो तो सिर्फ एक 9 साल का नादान बच्चा है। वो एक इनोसेंट बच्चा है जिसकी खेलने कूदने की उम्र है। ऐसी उम्र का भोला भाला बच्चा तो उसके पेरेंट्स जो भी बोल देंगे वो वही करेगा। अनफॉर्चुनेटली अभिनव उनके लिए एक मनी मेकिंग स्कीम बन गया है। पर्टिकुलरली इस बच्चे को ट्रोल करना बहुत गलत है क्योंकि ये बहुत क्लियर है कि इसको पीछे से सब करने के लिए बोला जाता है। वो हर जगह जाके वही रटी रटाई बात करता है। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। मैं श्री कृष्ण को अपने छोटे भाई के रूप में बचता हूँ। उनके साथ बातें करना, मस्ती करना, आनंद करना, उनके साथ बातें करना, उनके साथ खेलना। जब मैं शास्त्र पढ़ता हूँ तब वो भी मेरे साथ बैठ जाते हैं वो सुनने के लिए। हर बार डिट्टो वो सेम सेम पैटर्न सेम वर्ड यूज करके आंसर देता है। देखो ये बहुत बात है कि जिस आदमी के खुद के विचार होता है, जिसका खुद का लाइफ एक्सपीरियंस होता है, उससे आप कुछ भी बात कितनी बार पूछोगे ना, उसका जवाब थोड़ा बहुत अलग अलग हो। वो अलग वर्ड यूज करेगा, वो अलग पैटर्न यूज करेगा, उसका बात करने का ढंग हर बार अलग। बट अभिनव जब भी किसी बात का जवाब देता है तो दिखता है कि वो कुछ रिवाइज कर रहा है बार बार, वो वही सेम रिदम में बात कर रहा है। ऐसा लगता है कि इस बच्चे को कुछ नोट्स रटवा के एक एग्जाम हॉल में बिठा दिया एग्जाम देने के लिए, और अगर कोई भी क्वेश्चन उस नोट से बाहर आ जाता है तो भूल जाता है। आप किसी को देखते हो तो क्या आता है पहला, आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है पहला? मुझे फर्क नहीं पड़ता। यदि आप पचास साल की उम्र में अगर आप 50 साल की उम्र में करने लगे तो वो भक्ति नहीं। अब आपको समझ आ गया होगा कि अभिनव को ये सब चीजें सिखा कौन रहा है। अभिनव सेम वही चीजें रिपीट करता है हर जगह जो उसके फादर उसको सिखाते हैं। इवन जो उसका वे ऑफ टॉकिंग है, हर जगह एग्जाम्पल दे के सेम स्टोरी सुनाना। मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ। एक हाथी था, उसके ऊपर एक राजा बैठ कर जाता था, तो हाथी को भी बहुत गर्व होता। यही सेम स्टाइल उसके फादर भी अक्सर यूज करते हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ आपको, एक कहानी से आपको इस बात के बारे में बताता हूँ। ये तो एक कंप्यूटर बनाया हुआ है कि इसको जो भी कमांड दे दी वो डिट्टो उसको ही फॉलो करेगा, थोड़ा भी इधर उधर नहीं जाएगा। अब इसका कोई भी इंटरेक्शन उठा के देख लो, वो सेम फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स यूज करता है। मतलब एक सिंगल वर्ड भी इधर से उधर नहीं होता। वह जीव तो सचमुच चंडाल के समान है, जिन हरि भगति। थोड़ी सी चीटिंग नोट्स में से। आप इन सभी बच्चों का इंटरव्यू को, आपको लगेगा नहीं कि ये कुछ बात कर रहे हैं, अपने मन से अंदर से इनकी कोई बात आ रही है। जबकि कथावाचक की स्कॉलर की ना एक एनर्जी होती है अपनी, उसका अपना एक ऑरा होता है, उसके बात करने का एक इंपैक्ट होता है। वो आपको यहाँ पे मिलेगा ही नहीं। वो इसलिए मिसिंग है क्योंकि जब भी आप इनकी कोई वीडियो देखोगे, इन्हें सुनोगे, तो लगेगा नहीं ये बात कर रहे हैं, आपको लगेगा कुछ रिसाइट कर रहे हैं कि जैसे 8 का पहाड़ा पढ़ना है, 9 का पहाड़ा पढ़ना है, फटाफट 12 का पहाड़ा पढ़ना है। क्योंकि इन बच्चों को बाहर जैसे दिखाया जा रहा है ये वैसे है ही नहीं, ये दूसरों के तरह ही वैसे ही नादान बालक है। इनको पपेट बना दिया गया और बिहाइंड द कैमरा इनको किया जा रहा होगा, ये कोई नहीं जानता। बच्चे भगवान का रूप होते हैं तो पूरी दुनिया ने माना है, लेकिन कुछ पेरेंट्स ने इस सेंटेंस में से रूप हटाई दिया। जिस नादान बच्चे को स्कूल जाने के लिए एक्साइटेड होना चाहिए, खेल कूद में मगन रहना चाहिए, कार्टून देखना चाहिए, मौज मस्ती करनी चाहिए, जिसको लगना चाहिए कि ढोलकपुर नाम का गाँव सच में एग्जिस्ट करता है, उसका सुबह 3:30 बजे उठना क्या कोई सवाल खड़ी नहीं करता? सुबह 3:30 बजे जग जाता हूँ। अभिनव से उसके इंटरव्यूज में बुलवाया जाता है कि जब से उसको समझ आई है वो तभी से भक्ति में लग गया, वो तभी से ये सारी क्रियाएं कर रहा है। वो ऐसे ही हमेशा धोती कुर्ता पहनता है, मालाएं पहनता है, ताकि लगे कि अरे दूसरे बच्चों से कितना अनोखा है, कितना सुंदर, कितने उच्च विचार। ये मुझे पहनना बहुत अच्छा लगता है। सैडली ये चीज भी एक मार्केटिंग गिमिक ही है। सच तो ये है कि अभिनव हमेशा से बाकी बच्चों की तरह ही रहता था। एक वीडियो अवेलेबल है जहाँ पे अभिनव के फादर की एक कंपनी की ओपनिंग है और वहाँ पे अभिनव बिल्कुल नॉर्मल कपड़ों में केक कटिंग कर रहा है। शायद नई वाली मार्केटिंग प्लान करने से पहले वीडियो डिलीट करना भूल गए। ये सब लास्ट के 1-2 सालों में ही सोच समझ के बनाई गई मार्केटिंग स्ट्रेटजी है। ये पूरी एक पीआर है। देखो ये जो 30 से पूरी 70 वाली ऑडियंस थी, इसमें तो स्कोप बचा ही नहीं था, काफी सारे बाबा आ गए थे। फिर 18 से 30 वाली में भी 4-5 बाबा तो आए हुए हैं, जवान जवान से भी। लेकिन ये 5 से 15 वाली जो थी ना, इसमें एक बड़ा गैप था। यहाँ पे एक बाबा चाहिए था, एक ऐसी इंपैक्टफुल फिगर जो बच्चों को लगे अरे देखो
तुम तो सौरभ जोशी के व्लॉग देखते हो, वो क्या दिखा रहा है अपने छोटे भाई को, महंगी साइकिल दिला दी, पीसी दिला दिया, उसका भाई तो पूरे दिन खेलता रहता है, महंगे महंगे पीसी दिखा रहा है, महंगी महंगी चीजें दिखा रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ी दिखा रहा है, वो तो हमारे बच्चों को बिगाड़ देगा। बट ये प्रवचन एंड ऑल तो ठीक है बच्चों के लिए, बाबा भक्ति बिल्कुल ओके है। सही बात है। मैडम ने बोला मैं वीडियो बना रही हूँ, सब बोलो मेरा स्कूल मेरी जान है। मैं क्यों बोलूँ, मेरी जान तो श्री कृष्ण जी है। ये है मेन प्रॉब्लम। ये तो काफी क्लियर है कि अभिनव को ये सारी चीजें उसके पेरेंट्स करवा रहे हैं, उसको पेड स्क्रिप्टेड पॉडकास्ट कराए जाते हैं, उसको कमर्शलाइज किया जा रहा है ताकि वो उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम बन सके। अब तुम सोचो, एक तरफ तो पेरेंट्स की तरफ से इस तरह का प्रेशर, दूसरी तरफ उसको लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल भी कर रहे हैं। आप समझो कि उसकी साइकी पे इसका कितना नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा। अब वो धर्मगुरु बाबा या कथावाचक बन के तो कामयाब नहीं होने वाला, क्योंकि ये सारी चीज अभी ब्रेकडाउन हो गई। तो 10 साल बाद जब उसको रियलाइजेशन होगा तो उसको पूरी दुनिया अपनी एनिमी लगेगी। तो मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई एटलीस्ट उसको तो ट्रोल मत करो, वो तो 9-10 साल का छोटा बच्चा है, उसको तो एक ग्रेटा थनबर्ग की तरह पीआर मशीन की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। एंड आई होप कि भाई वो वापस नॉर्मली जैसे बाकी बच्चे अपना बचपन जीते हैं वैसे ही जिए, वापस स्कूल में जाए, मौज मस्ती करे और इस सब से बाहर निकल जाए। मेरी अभिनव या उसके माता पिता से कोई दुश्मनी नहीं है, नहीं तो जैसे बाकी लोग बात कर रहे थे मैं भी बोल दूंगा कि इनका पास्ट ये है, इसके फादर ने पहले ये किया था, वो किया था। मैं चाहता ही नहीं उसको स्पेसिफिकली टारगेट करना। मैं खुद समाज का सबसे परफेक्ट इंसान तो नहीं हूं, और अभिनव कुछ किसी को गलत बात भी नहीं सिखा रहा। वो गाली गलौज नहीं कर रहा, वो समाज में अनरेस्ट पैदा नहीं कर रहा, वो किसी को मारपीट नहीं रहा, नुकसान नहीं पहुंचा रहा। बट मेन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे उसको प्रेजेंट इस तरह किया जा रहा है कि भैया खिलौने, जिद, शैतानी, नटखटपना बच्चे के लिए जरूरी है ही नहीं। आप बिल्कुल पैदा होते ही आध्यात्मिकता में लग जाओ और आपको दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, जो कि बिल्कुल ही गलत एग्जांपल है आज के बच्चों के लिए। लाइक 9 साल के बच्चे के लिए आई डोंट थिंक सो ये सब चीजें प्रैक्टिकल है इस सब में लगना। मुझे लगता है कि एक छोटे बच्चे को तो बाहरी दुनिया में ज्यादा मगन रहना चाहिए रादर देन जो हमें ये स्पिरिचुअलिटी और ये सब लग रहा है। आपको कथावाचक बनना है, आपको साधु बनना है, आपको बाबा बनना है, आप बन जाना। जब आपकी खुद की समझ आ जाएगी, आप खुद अपने डिसीजन ले रहे होंगे, आपके पास लाइफ एक्सपीरियंस होगा, तो आप कुछ भी बन जाना भाई। कथावाचक बन के आप प्रोफेशनली करना, पैसे भी लेना कथा करने के। ऐसे छुपना क्यों है कि नहीं हम तो पैसे नहीं लेते, फिर करो भाई। आप एनर्जी लगा रहे हो, आप जा रहे हो कहीं पे इवेंट में, आप पैसे लो। बट एक सर्टेन एज के बाद जब आपके पास सच में दूसरों को देने के लिए कुछ ज्ञान होगा भी, आध्यात्मिकता कोई फुटबॉल नहीं है कि भैया ये पैशन 4 साल की उम्र में लग जाता है। खैर बहुत हो गया यार। सो गाइस ये थी वीडियो और बहुत सारे चीजों के बारे में बात करी। आप मुझे बताओ कि क्या सही है क्या नहीं। मुझे तो वीडियो सही लगी भाई, कुछ चीज़ें मुझे काफ़ी बढ़िया लगी भाई ने, काफ़ी रिसर्च करी है। सो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय।